दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली स्कैरी डोल पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देख लें, वरना क्या है कि स्टोरी की समझ नहीं आएगी। अभी तक हमने देखा था कि कैसे चूजू चाल दरवाजे पर आ जाता है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं बिना किसी टाइम गवाए। यहाँ पर चूचू चाल सामने खड़ा हुआ है और यहाँ पर बाबा बेहोश पड़ा हुआ है। अब ना जाने इसको कौन बचाएगा। गुल्ली यहाँ पर दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है। अब तो बाबा भी इसे नहीं बचा सकता क्योंकि बाबा तो बेहोश पड़ा हुआ है। तभी ये बाबा के पास आता है। बाबा आंखें खोलता है। अरे ये क्या, बाबा को होश आ गई। तभी गुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि गुल्ली की कुछ अब उम्मीद जागती है। तभी बाबा उठकर बैठ जाते हैं और बाबा इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अरे ये तो बाबा ठीक हो गए हैं। अरे शो तो जड़ी बूटी लेने गया हुआ था और डॉक्टर टीको लेने गया हुआ था। तभी ये बाबा से कहते हैं, अरे बाबा आपको क्या हो गया था। अरे बाबा मुझे सारी बात बताएं, आप बेहोश कैसे हो गए थे। अरे हम तो परेशान ही हो गए थे, दरवाजे पर चूचू चाल खड़ा हुआ है। ये सुनते ही बाबा की बत्ती घूम जाती है। अब तो चूचू चाल की खैर नहीं क्योंकि चूचू चाल पहले भी बाबा से मार खा चुका है और बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया था। तभी ये दरवाजा खुलता है। अरे ये क्या, बाबा तो बाहर आकर खड़ा हो गया। चूचू चाल बाबा को देखता है और इसकी तो बत्ती गुल हो जाती है। अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं। तभी चूचू चाल यहाँ से भाग जाता है क्योंकि बाबा इसकी फेंटी लगाएगा। अरे ये हुई ना बात, बाबा तो अब ठीक हो चुके हैं। बाबा कहते हैं, अरे क्या हो गया, मैं यहाँ पर कैसे हूँ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतनी रात में मैंने तुम्हें समझाया है, इतनी रात में यहाँ पर ना घूमा करो, यहाँ पर खतरे होते हैं, तुम लोग बात ही नहीं मानते। तभी ये बाबा से बताता है कि बाबा मैं तो आपके पास आया था और मेरे साथ छोटी भाई शोन भी था। आप यहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे और यहाँ पर फूल भी काफी ज्यादा पड़ा हुआ था। अरे मैंने तो सोचा आपका काम तमाम हो गया। अरे क्या था वो सब। तभी बाबा इसको बताते हैं, अरे वो तो मैंने मुर्गा जिबा किया था। अरे खाने का दिल कर रहा था। अरे चिकन काफी अरसे से नहीं खाया था और मैं तो सोता ही ऐसे हूँ जैसे कि बेहोश हो गया, काफी अरसे से सोया नहीं था। अरे मैं तो सो रहा था। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो। अरे ये क्या, अपने बाबा तो सो रहे थे। तभी बाबा अपनी बाइक उठाते हैं और अब मुझे लगता है किसी के उठने का समय आ चुका है। तभी बाबा इसको बुलाते हैं, आ जाओ मेरे पीछे बैठो। और अब इन सबको नानी याद करा देते हैं जिन जिन ने तुम्हारे साथ ये सब किया है। तभी गुल्ली तो खुश हो जाता है, बाबा के पीछे बैठ जाता है और अब तो बाबा बस जाने ही वाले हैं और सबको उनकी नानी याद कराने वाले हैं। लेकिन अपना पोटी बाज शो तो बाबा के लिए डॉक्टर टी को बुलाने के लिए गया है। तो क्या होगा, क्या डॉक्टर टी यहाँ पर आएगा। अरे ये क्या, ये तो चूचू चाल है जो कि घर के पीछे आ गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये इनके ऊपर हमला करेगा क्योंकि इसने दोबारा से बाबा को देख लिया है और बाबा तो इसकी बत्ती उड़ा देते हैं। और इधर अपना पोटी बाज शोन डॉक्टर टी को बुलाने के लिए जा रहा है। ये रहा डॉक्टर टी का घर। डॉक्टर टी जंगल में रहते हैं, यहाँ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। पिछले ही अरसे उसने बिल्ली को चूहा बना दिया था और फिर चूहा उससे भाग गया और आज तक वो बेचारा वापस ही नहीं आया। मुझे लगता है उस चूहे को दोबारा से बिल्ली ने खा लिया है। अरे ये क्या सीन है। और अपना डॉक्टर टी काफी ज्यादा अमीर है, उसके पास बहुत ही प्यारी कार है जिसकी छत ही नहीं है। वैसे तो अपने पोटी बाज शोन के पास भी बगैर छत वाली गाड़ी है, लेकिन ये तो जीप है, लेकिन उसके पास सुपर कार है। तभी ये हॉर्न देता है। उसके बाद हॉर्न सुनते ही डॉक्टर टी बाहर की तरफ आ जाता है और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। इसे पता चल गया है कि पोटी बाज शोन इसका दोस्त आया है, जरूरी कोई इससे हेल्प ही मांगेगा क्योंकि वैसे तो ये आता नहीं है। तभी ये इसके पास आ जाता है, लेकिन पोटी बाज शोन ये नहीं जानता अब तो अपने बाबा ठीक हो चुके हैं। अरे अपने बाबा तो बिल्कुल सो रहे थे और वो भी होशी की हालत में थे क्योंकि बाबा अपने काफी अरसे से सोए नहीं थे, अपना वो काम निकाल रहे थे। अरे कितनी प्यारी कार है, लेकिन जंगल के बीचों बीच घर है इसका। तभी डॉक्टर इससे पूछता है, अरे शोन इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अरे यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं, अरे तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। तभी पोटी बाज शोन इसे सारी बात बताता है कि कैसे बाबा बेहोश हो चुके हैं और मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, हमें बाबा को बचाना होगा, ना जाने बाबा के साथ क्या हो गया है। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो बाबा बेहोश पड़े हुए थे और पास में काफी सारा खून पड़ा हुआ था। चलो डॉक्टर टी जल्दी जल्दी चलते हैं, बाबा को बचाते हैं, मुझे टी अभी तक नहीं पीनी। तभी डॉक्टर टी इसे कहता है, तो पिला कौन रहा है। अरे भाई मैं नहीं पिला रहा टी, टी बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। अरे मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं। हाँ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ बाबा को बचाने के लिए, क्योंकि बाबा मुझे भी पसंद है। अरे बाबा का तो मैं फैन हूँ, बाबा को बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, बस जल्दी जल्दी चलो अब। तभी इसकी ये बात सुनते ही तभी पोटी बाज शोन इसे कहता है, अरे ना जाने बाबा के पीछे कौन पड़ा हुआ है और मुझे लगता है वो विलेन हमें भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि विलेन अगर बाबा को मार सकता है तो हमारे पीछे भी पड़ा होगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा, बस जल्द से जल्द बाबा को होश में लाना होगा, बाबा ही हमें बचा सकते हैं क्योंकि हम खुद अब नहीं बच सकते, वो विलेन काफी ज्यादा पावरफुल है जिसने बाबा को भी मार दिया है।
तभी ये डॉक्टर टीबी सोचने लग जाता है, गाड़ी में बैठ जाता है और इतनी जोर की चलाता है कि पोटी बाय शोन की तो पोटी ही निकलने लग जाती है। अरे ये हुई ना बात, अरे ये तो एक्सपर्ट है यहाँ पर गाड़ी चलाने का, अरे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खड्डे हैं। लेकिन डॉक्टर टी रुकता नहीं है, डॉक्टर टी जाने लगता है, अब बाबा को जल्द से जल्द बचा लेंगे। दोस्तों जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से बाबा की जान बच सकती है। डॉक्टर टी वहाँ से चला जाता है बाबा के घर की तरफ, लेकिन बाबा और गुल्ली तो यहाँ से चले गए हैं, इन्हें ये नहीं है पता, अगर पता चल जाएगा तो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक तो खुशी होगी कि बाबा अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन एक डर भी होगा इनके जहन में कि कहीं बाबा को कोई लेकर चला तो नहीं गया और गुल्ली को भी साथ में। तभी ये दोनों देखते हैं यहाँ पर बाइक नहीं खड़ी हुई, दोनों परेशान हो जाते हैं, अरे बाइक कहाँ चली गई, और बाबा के घर का दरवाज़ा भी खुला पड़ा है। दोनों यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और बाबा के घर की तरफ देखने लगते हैं, अरे अंदर जाकर देखना होगा कहीं बाबा अंदर तो नहीं है। तभी अपना पोटी बाय शोन इस घर के अंदर जाने लगता है बाबा को देखने के लिए कि कहीं बाबा अंदर तो नहीं है। बाबा और गुल्ली हो सकता है साइड पर चले गए हों, लेकिन आखिरकार साइड पे कहाँ जाएंगे, अरे ये तो घर भी छोटा सा है। तभी पोटी बाय शोन इधर उधर देखता है, अरे यहाँ पर तो है ही नहीं, अरे बाबा और गुल्ली कहाँ चले गए। पोटी बाय शोन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, इधर उधर देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर तो वो है ही नहीं। तभी ये बाहर की तरफ जाने लगता है, अरे ये दोनों कहाँ चले गए। पोटी बाय शोन दिल ही दिल में डर रहा है, तभी ये इसको बताता है, अरे बाबा और गुल्ली घर में नहीं है, ना जाने कहाँ चले गए, अरे मुझे लगता है बाबा को होश आ गया है इसलिए यहाँ पर बाइक भी नहीं है, अरे मुझे उम्मीद है, अरे बाबा काफी ज्यादा ताकतवर हैं, अरे बाबा अब उन्हें नहीं छोड़ेंगे, अरे मुझे अब उम्मीद है कि बाबा उन्हें नहीं छोड़ेंगे, मैं दोबारा से कह रहा हूँ। तभी थोड़ी ही देर बाद बाबा वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर बुल्ली को रखा गया है। अरे ये हुई ना बात, अब तो बाबा इन्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बाबा काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। यहाँ पर मोस्टर खड़ा हुआ है और बेचारे बुल्ली की हालत काफी ज्यादा खराब है। दोनों यहाँ पर उतर आते हैं, बाबा यहाँ पर देखने लगते हैं क्योंकि बाबा पहले वार्निंग देते हैं, इसलिए बाबा इसको भी पहले वार्निंग देते हैं, अरे इन्हें छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अरे लास्ट और पहली वार्निंग है, बाबा मारने से पहले वार्निंग देते हैं। तभी ये इन्हें कहने लगता है, अबे ओ जो करना है कर लो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा बल्कि मैं तो तुम्हें भी पकड़ लूंगा, अब हमारे तीन बंदे पूरे हो चुके हैं, अब तीनों की बलि दूंगा और ये ढोल काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और फिर किसी को भी नहीं छोड़ेगी, अरे जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तभी बाबा को गुस्सा आ जाता है, अरे बाबा के सामने तो कुछ भी नहीं है, बाबा इसको करंट मारता है, करंट से ये काला हो जाता है और फिर ये यहीं पर गिर जाता है, अरे ये है इसकी जान, अरे बाबा के सामने ये क्या है। तभी ये डॉल को भी उठा लेता है बाबा और उसके बाद दे मारता है जमीन में। गुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बारी है बुल्ली की, बुल्ली को भी होश आ जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी प्लीज कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट स्टोरी कौन सी होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।